आपकी क्लास आपके अंदर ही छुपी है। अगर आप सोचते हो कि आपको कोई रिस्पेक्ट देगा, इससे पहले आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा, खुद की स्टैंडर्ड क्रिएट करनी पड़ेगी, खुद के माइंड में अपनी एक छवि क्रिएट करनी पड़ेगी कि मैं इस लेवल का आदमी हूँ, इस तरह मुझे करना है और मैं इस स्टैंडर्ड से बिलोंग करता हूँ। रेज योर स्टैंडर्ड बेबी, देन यू बिकेम पावरफुल। यू यू नॉट बिकम पावरफुल अनलेस यू डू नॉट डूइंग समथिंग। आप खुद की पिक्चर साइज, किस तरह आपकी सोच रखती है, किस तरह क्लास के पीपल के साथ आप बैठते हो, उठते हो, किस तरह के काम आप करते हो, किस समय जागते हो, अपनी सोच के लिए ही मैटर करता है। आपकी क्लास इस तरह डिफाइन होगी कि आप कितना ज़्यादा सोच रखते हो। अगर आप बड़ी सोच रखते हो तो क्लास जितना भी छोटा हो वो आपको देखकर सलाम करेगा, क्योंकि आपकी क्लास ही इतना ज़्यादा मोटिवेटेड होगी, इतना ज़्यादा आप एस्पायरिंग होगी। और आप क्लास, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी काम करने की तरीका छोटी होगी, छोटे लेवल पर होगी। तो जितना ज़्यादा हाई लेवल पर होगे आपको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं देगा, क्योंकि आपके लेवल जो है आपकी सोच और आपके अटेंशन के ऊपर निर्भर करता है। तो आप देखो कि आप किस तरह के इतने लेवल पर हो, क्या आप जिस क्लास में बैठते हो, क्या आपके लोग आपके बारे में सुनते हैं, क्या आपको वो केयर करते हैं, या फिर आप कि मतलब कुछ है। अगर नहीं है तो उसको इंक्रीज करना सीखो। एब्सेंस मेक्स योर प्रेजेंट, समझ रहे हो? जब आप अनुपस्थित होगे, क्या आपके कमजोर, आपकी अनुपस्थिति उनको घट रही है, उनको चाहिए कि आप उसके टीम में रहो, आप एक कैप्टन की तरह लीड करो, जिससे आप नहीं हो तो आपकी प्रेजेंट ना होना उनके लिए एक बहुत बड़ी घाटा होगी, जिससे आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी और आपकी माइंड सेट में इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगी। तो रेज योर स्टैंडर्ड।